दोस्तों पूरनपोली तो आप सबने बहुत खाई होगी। क्या आपने कभी पूरनपोली बनते हुए देखा है? क्या आपने देखा कभी पूरनपोली बनती कैसे? तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरनपोली बनती कैसे। ये भाई ने हमारे ले लिया है दाल। अब इस दाल को पानी में डालेंगे। ये 5 किलो दाल उन्होंने पानी में डाल दिया है। अब इसे इस दाल को बॉयल होने में कम से कम अच्छी तरह से पकने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए अभी हमारी दाल ये बॉईल हो रही है और देखिए हमारी दाल पक चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम इसे उतार लेंगे। ये हम उसका पानी निकाल के पानी और दाल को अलग कर दिया हमने। ये देखिए अभी हम दाल ले लेंगे। दाल के पानी को हम हटा दिए, उसका हमारा कोई काम नहीं है। ये हमने दाल को एक टोप में खाली कर लिया है। अभी ये उसके अंदर हमने नमक डाल दिया और ये हमारा आ गया गुड़। अब इसके अंदर आएगी ये 1.5 किलो शक्कर। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पूरी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको गैस पर रख देंगे। हमने गैस पर रख दिया इसे। अब यहाँ पे भी थोड़ा मिक्स करेंगे हम इसको और ये पूरी दाल पूरे चीनी और गुड़ के साथ में पूरी घुल जाएगी। ये हमारा आ गया इलायची पाउडर स्वाद अनुसार। ये देखिए रेडी हो चुका है। अभी ये हम पूरनपोली का अंदर जो हम आपको आगे पता चलेगा क्या है। ये देखिए ये बहुत ही ओल्ड मशीन है। ये इनकी दादी इस्तेमाल यूज़ करती थी। अब ये भाई अभी इसे यूज़ करते हैं। आपने कभी देखी नहीं होगी ऐसी मशीन। बहुत ही अच्छी और बहुत ही हार्ड वर्क वाली मशीन है ये। ये दाल भर दिया उसके अंदर। अब ये देखिए इसे हाथ से ऐसे घुमाते रहने के। बहुत हार्ड वर्किंग है मैन भाई। ये देखिए ये आ गया हमारा पूरनपोली का। इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, काफ़ी गर्म होता है ये। अब इसकी ये छोटे छोटे लोई बना के रख लेंगे। ये एक पूरनपोली की लोई है। देखिए काफ़ी सारी लोई बना दी है काकी ने। ये आ गया हमारा मैदा। इसके अंदर पानी डाल दिया है। इसको भी अच्छे से भाई ये मिक्स कर देंगे। ये हमारा आ गया ऑयल। ये ऑयल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बाद में फटे ना और मतलब अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। ये रेडी होने के बाद भी थोड़ा ऑयल डाल देते हैं हम। ये अभी पूरनपोली रेडी होने जा रही है। ये देखिए मैदे के अंदर आंटी ने वो हमारा जो गुड़ का वो बनाया था, हमने दाल और गुड़ सब मिक्स करके वो इसके अंदर आ गया। ये लोई रेडी हो गई। अब इसे भाई हम बेलेंगे। भाई को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम गोल रोटी के जैसा उन्होंने बेल दिया है। अभी आ गया हमारा तावे पे। कितनी अच्छी तरीके से फूलती है आप ये देखिए। काफ़ी सॉफ्ट है ये रोटी। काफ़ी अच्छी तरीके से फुलाई गई है देखिए आप। ये देखिए आ गया। बनने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रखा जाता है। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पे भी डिलीवरी हो जाएगा। ये आउट ऑफ इंडिया भी डिलीवरी करते हैं भाई ये। और ये 8 से 9 दिन तक आप खा सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी है। गरम गरम करके आप खा सकते हैं घर पे।
ट्राई करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा पूरन पोली पेंट।